Hi everyone, welcome to my YouTube channel. Hope you all are doing extremely well. So today in the series of Java interview questions, we are going to discuss about abstract classes and abstract methods. So make sure to watch the complete video so that you can get a proper idea regarding abstract class and abstract methods as well. But before proceeding further to the video, if you are new to this channel or if you haven't subscribed my channel till now, then guys do consider subscribing my channel. It will really motivate me to make more such content for you, and I'm sure the channel will be helpful for you. So do subscribe my channel and make sure to join our Telegram community as well. The link for the Telegram channel is given in the description itself. Well, many of the students have asked me to record some videos in Hindi as well. So let's do this video in Hindi itself. So okay, then let's proceed. So first of all, before discussing about ki abstract class kya hota hai, abstract method kya hota hai, let's first understand that what do you actually understand by abstract? Abstract क्या होता है? Abstract अगर आप बोलो तो किसी चीज का एक सार देना है, kind of summary, ठीक है? Properly किसी चीज को specify मत करना, किसी चीज को implementation को नहीं करना, that is what we can say as abstract, ठीक है? अब अगर आप इससे programming term से एकदम proper relate करना चाह रहे हो तो abstraction is something जहाँ पे हम users को background detail नहीं provide करते, internal detail provide नहीं करते, केवल उनके मतलब की चीजें जो भी एसेंशियल एक आइडिया उनको होना चाहिए सिर्फ उतना ही उतना उनको स्पेसिफाई करते हैं. अदरवाइज इंटरनल वर्किंग कैसे हो रही है, क्या प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन है, तो उस चीज को स्पेसिफाई ना करना, दैट इज व्हाट एब्स्ट्रैक्शन इज. ठीक है, तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन ये चीज आप समझ गए होंगे. अब बात कर लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड की. तो इससे कुछ पहले कि कभी कभी हमारे पास ऐसे सच रिक्वायरमेंट है, लेट्स से कि आप कोई गेम बनाना चाहते हो, उसमें आप काफी सारी फंक्शनैलिटीज डालना चाहते हो, तो फंक्शनैलिटीज तो आपके दिमाग में है कि लेट्स से कोई प्लेयर रहेगा, वो शूट करेगा, वो खाना खाएगा, डांस करेगा, जो भी आपने फंक्शनैलिटी सोच रखी हो कि ये हमारे फंक्शंस रहेंगे, बट आपको ये क्लियर नहीं है कि वो किस तरीके से मैं उनका इम्प्लीमेंटेशन करूँ. अभी फंक्शन आपको पता है कि मुझे क्या रखने हैं, लेकिन उनका एक डेफिनेशन, उनका एक इम्प्लीमेंटेशन, ये आपको क्लियर नहीं है. तो ये क्या हो गया आपको, इसको हम क्या बना सकते हैं, एज ए एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एज ए एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन. मींस आपको आइडिया तो है कि फंक्शन क्या होगा, डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन का पता है आपको कि क्या हमें फंक्शन लेना है, लेकिन उसके अंदर क्या लॉजिक लिखना है, उसके अंदर का बॉडी क्या होगा, क्या इम्प्लीमेंटेशन होगा, दैट इज नॉट क्लियर. ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को हम एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन, एब्स्ट्रैक्ट मेथड बोलते हैं. ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट चीज की, एब्स्ट्रैक्ट क्लास. तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है हमारी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास तो जिस भी क्लास में एक या एक से ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं उसको हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास बोलते हैं. अच्छा, अगर एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है तब भी क्या हम किसी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना सकते हैं? जी बिल्कुल, उसके लिए आपको यूज करना है एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का. ठीक है, इसकी हेल्प से आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास को बना सकते हो. तो इसमें अगर इसको मतलब ध्यान से सुनिएगा कि अगर किसी भी क्लास में एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो वो क्लास आपको एब्स्ट्रैक्ट बनानी ही पड़ेगी. अगर आप नहीं करोगे ऐसा तो आपको एरर आएगी. अभी हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी देखेंगे इस चीज का. तो अगर एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है क्लास में तो वो क्लास आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही होगी. अब ऐसा भी हो सकता है कि एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड ना हो फिर भी आपने क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना रखा हो. ठीक है, कुछ क्लासेस हैं ऐसी जहां पे एक भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं आएगा. शायद एचटीटीपी सर्वलेट अगर आपने आइडिया हो तो उसमें शायद एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है, बट इवन देन दैट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास. ठीक है, तो ये आपको सॉर्ट ऑफ आइडिया लग गया होगा. अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, क्यों? अब जैसे आपकी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसमें आपने एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन डिफाइन कर रखा है, लेट्स से रन. ठीक है, ये आपने एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन डिफाइन कर रखा है, इसको भी आप एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करके ही डिफाइन करोगे. एब्स्ट्रैक्ट वाइड रन लेट्स से आपने डिफाइन कर रखा है, यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं एब्स्ट्रैक्ट वाइड रन. ठीक है, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड है. देखिए इसमें अभी हमें कोई आइडिया नहीं है कि कैसे रनिंग होगी क्या, तो ये हमने एक तरीके से डिक्लेरेशन टाइप दे दिया है, बट लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कुछ भी नहीं किया. ठीक है, तो अगर जैसे आपकी समझ लीजिए क्लास का नाम है ए, ये भी एक अगर इसमें ऑब्वियसली अगर इसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो ये क्या होगी, हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी, ये हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी. तो अगर आप बोल रहे हो कि हम इसको इंस्टेंशिएट करेंगे, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, लेट्स से तो ए ओ बी वन न्यू ए. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो फंक्शन को, ठीक है, फंक्शन को एक्सेस कर सकता है, तो ये फंक्शन को एक्सेस करेगा.
जो हमारा रन फंक्शन है, लेकिन ये फंक्शन तो कुछ कर ही नहीं रहा है, इसके अंदर तो कोई फंक्शनैलिटी नहीं है, तो एक नॉर्मल डिक्लेरेशन यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये गलत है ना, इससे हमारे क्या होएगा, एरर आएगा, ये कोई सेंस नहीं बना रहा, ठीक है। तो इसीलिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते। अब इसमें भी एक बात है, आप इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते, लेकिन कंपाइलर खुद से एक इसको इंस्टेंशिएट करेगा। इसका प्रूफ क्या है तो अभी हम लोग देख लेंगे, जब हम लोग इसका प्रैक्टिकल मैं आपको शो करूंगी तब हम लोग देख लेंगे कि इसका प्रूफ क्या है। प्रोग्रामर इंस्टेंशिएट नहीं कर सकता लेकिन कंपाइलर करता है। इसका प्रूफ ये है कि इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, और आप जानते हो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, इट मींस वो इंस्टेंशिएट हो रहा है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर तो कभी तभी कॉल होता है ना कि जब हम अपनी क्लास को इंस्टेंशिएट करते हैं, राइट। इट मींस कि वो इंस्टेंशिएशन तो हो रहा है लेकिन प्रोग्रामर नहीं कर सकता, ठीक है। सो आई होप दैट मेक्स सेंस। इसके बारे में आप फर्दर स्टडी कर सकते हो, तो मैंने एक डॉक्यूमेंट जो है आपको प्रोवाइड कर दिया है डिस्क्रिप्शन में, जिससे कि आप और अच्छे से इसके बारे में एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का बेसिकली हेल्प कब होती है, यूज कब होता है, जब आपको प्रॉपर आइडिया ना हो, प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स क्लियर ना हो, पार्शियल रिक्वायरमेंट्स आपको क्लियर हो कि अच्छा ये फंक्शनैलिटीज रहेंगे, और कुछ मेथड्स ऐसे हो सकते हैं जिनके कुछ, लेट्स से कि आपकी कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसमें दो तीन मेथड है, ठीक है। एक दो मेथड का आपको इम्प्लीमेंटेशन पता है, लेकिन कोई एक आध मेथड ऐसा जिसका अभी आपको इम्प्लीमेंटेशन नहीं पता। आपको पता है कि ये फंक्शनैलिटी मुझे चाहिए, लेकिन किस तरीके से होगी इसका आइडिया आपको नहीं है। तो इस तरीके की क्लास जिसमें आप ऐसे मेथड सकते हो, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास बोलते हैं। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि अगर एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है, ठीक है, अगर इसमें नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तब भी आप क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना सकते हो, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल हम लोग देख लेते हैं, राइट। तो लेट्स हैव अ लुक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, क्लास का नाम है शो, ठीक है। तो अभी देखिए इसमें कोई भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमारी कैसी क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। सो दैट इज व्हाट आई वाज मेंशनिंग, ठीक है। तो अगर देखिए यहाँ पे ये जो हमारी दूसरी क्लास है चेक, इसने क्या किया है, इसको एक्सटेंड किया है, हमारी शो क्लास को, हमारे एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड किया है। नाउ यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं चेक का, और हम इस फंक्शन को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा आउटपुट क्या होगा आप बताइए, आउटपुट होगा हमारा दिस इज जावा प्रोग्रामिंग, जैसा कि आप देख सकते हो, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ये हमारी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ठीक है, एनिमल। इसमें हमारे दो फंक्शन है, ये है एक हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एक ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, मीन्स इसकी अभी हमें इम्प्लीमेंटेशन क्लियर नहीं है, और एक ये दूसरा हमारा नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ठीक है। अब हमारे डॉग क्लास जो है उसने क्या किया, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड को क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है। अभी इसको मैं हटा देती हूँ, ठीक है। तो अब आप देखोगे इसमें एक एरर आने लगा, तो देख लेते हैं एरर क्या आ रहा है, कि द टाइप डॉग जो हमारी डॉग क्लास है इसको इम्प्लीमेंट करना ही करना पड़ेगा, अगर ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट कर रही है ना, जो भी हमारी क्लास, जो भी हमारी चाइल्ड क्लास, उसको या तो हमारी जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसके अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स को मेंशन करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, या दूसरा ऑप्शन ये है कि इसको भी एब्स्ट्रैक्ट बनना पड़ेगा, है ना। या तो आप इसको एब्स्ट्रैक्ट बनाइए, या फिर जो अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स है हमारे एनिमल में, कौन सा अनइम्प्लीमेंटेड है, साउंड, उसका इम्प्लीमेंटेशन चाइल्ड क्लास में करिए। तो अभी के लिए हम ये वाला ऑप्शन के साथ चलते हैं कि एड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, तो यहाँ पे हमने इसको एड कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं बार्क, राइट, ठीक है। तो अभी हम क्या करें, ये हमने यहाँ पे डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, अब हम फंक्शन कॉल करें डी डॉट साउंड, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, बार्क, और हम ईट फंक्शन कॉल कर रहे हैं आई कैन ईट। एक बार इसको रन करके देख लेते हैं, तो आप देख लो हमारा ये आउटपुट आ रहा है, ठीक है। अगर मैं ऐसा करूं, ये फंक्शन हमने यहां से हटा दिया, ठीक है, और हमने ये भी एब्स्ट्रैक्ट भी यहां से हटा दिया, तो देखो एरर क्या आ रहा है, द एब्स्ट्रैक्ट मेथड साउंड इन टिपिकल इन टाइप एनिमल, ठीक है, एनिमल क्लास में हमारा ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड प्रेजेंट है, और ये सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ही हो सकता है। तो दैट वाज वन थिंग कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड, अगर एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है आपकी क्लास में, तो वो क्लास को आपको एब्स्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो दो ऑप्शन दे रहे हैं, या तो आप एब्स्ट्रैक्ट मॉडिफायर हटा दो ये फंक्शन से, या फिर अपनी जो एनिमल है इसको एब्स्ट्रैक्ट बना लो, ठीक है। तो दैट वॉज वन थिंग।
ना मैंने मेंशन किया था कि हम जो है एब्सेंट क्लास को इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसको आप ट्राई करना, इंस्टेंशिएट करोगे तो एरर आएगा, ठीक है, लेकिन लेकिन या एक बार चलो ट्राई कर ही लेते हैं। यहाँ पे एनिमल, अब देखो यहाँ पे एरर क्या आ रहा है, यहाँ पे एरर क्या आ रहा है, कैन नॉट इंस्टेंशिएट द टाइप एनिमल, आप जो है इसको इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है, तो नहीं कर सकते हैं तो नहीं करेंगे, तो सेम वैसे ही कर देते हैं जैसा ये भी हमारा था, ठीक है, अभी कोई एरर नहीं है, इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते हैं। चलो अब यहाँ पे एक हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर इसका स्पेसिफाई कर देते हैं, कंस्ट्रक्टर एब्स्ट्रैक्ट क्लास का स्पेसिफाई कर देते हैं, तो ये रहा हमारा कंस्ट्रक्टर, ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर ऑल्ट, ठीक है, अब इसको रन करोगे क्या आएगा आउटपुट, आप बताओ क्या आएगा आउटपुट, इसको रन करेंगे तो रन कर लेते हैं, देखो हमने क्लास को इंस्टेंशिएट किया तो हमें एरर आता, मींस प्रोग्रामर नहीं कर सकता इंस्टेंशिएट, लेकिन कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ये कब पॉसिबल है, जब क्लास इंस्टेंशिएट हो, इट मींस हमने नहीं किया है लेकिन कंपाइलर ने इसको इंस्टेंशिएट किया है, तभी देखो हमारा सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग कंस्ट्रक्टर कॉल, और फिर उसके बाद हमारा आ रहा है बार, क्योंकि हम यहाँ पे ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं साउंड, ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड, और फर्दर इसके बारे में जरा डिस्कस कर लेते हैं, तो यहाँ पे फर्दर पढ़ने के लिए एब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड क्लासेस के बारे में, ऑल्दो आई हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स दैट इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, और जितनी नॉलेज आपको होनी चाहिए, फिर भी आप फर्दर एक बार रीडिंग करना चाहते हो तो आप ये डॉक्स को रेफर कर लेना, डॉक्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल्सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल, अगर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर लीजिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।